माननीय सदस्य, चीफ ऑफ ट्रेजेडी, माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? अच्छा ओम बिरला जी, आप इतना वर्तमान कर रहे हैं तो फिर सुनिए इनको। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहे। भाई ओम बिरला साहब थोड़े वफादार है ना, और तो और आप बीजेपी से आते भी नहीं है। सही पकड़े हैं। तो फिर बिरला साहब बीजेपी के आगे कैसे सुनेंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा इस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दिया है, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं मलाया। तो इसी पे एक यूजर लिखते हैं, इतना भेदभाव क्यों भाई, लोकसभा स्पीकर हो, वोट स्पीकर नहीं, बजाओ ताली। एक और यूजर लिखते हैं, व्हाट अ स्पीकर, सब देश की लंका लगाने बैठे हैं, वोट लीकर। भाई अब बात कर लेते हैं ध्रुव राठी की। क्या हुई? अरे भाई सुरेश नकुआ नाम का एक बीजेपी नेता ध्रुव राठी के ऊपर केस कर दिया है। मगर क्यों? अरे हाँ आपको तो पता ही होगा कि ध्रुव राठी ने अपने रिसेंट वीडियो में एलयू यादव को रोस्ट कर दिया था, तो उसी वीडियो के क्लिप में उसने बीजेपी नेता सुरेश नकुआ नाम के एक यूजर को खरी कोटी सुना दी थी। सुरेश नकुआ, तेजिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गालीबाज ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर होस्ट भी किया था, क्या पहले चेक नहीं कर सकते थे कि ये कैसे लोग हैं? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसके बाद क्या, ध्रुव राठी के ऊपर मार आने का केस कर दिया गया, और अब सीधे 6 अगस्त को ध्रुव राठी को इंडिया आना पड़ेगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए भाई, इस खबर को सुनकर ध्रुव राठी के ऊपर मीम भी बनाए जा रहे हैं। खैर आपको ध्रुव राठी के बारे में क्या लगता है, क्या उन्होंने सही में कोई गलती करी होगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। ओके।